हेलो गाइज वेलकम बैक टू चैनल जय जगन्नाथ। गाइज आपण भाई फाइनाली लोधी गार्डन में पहुंच सारी सही देखिए सेटा हूँ एंट्री गेट टा आठ एंट्री करने गोटे टंका भी आपको खर्च करा पड़ोनी पूरा फ्री फ्री एंट्री हम मेनली ये लोधी गार्डन टा ना गाइज मैंने मॉर्निंग वॉक आउ इवनिंग वॉक बहुत फेमस आठ से एंट्री फी ना आप देखिए पचपटे एपटे फाउंटेन भी अच्छी सेपटे वाटर फाउंटेन अच्छी आ बहुत बड़ गार्डन गोटे ओके मैंने 15th सेंचुरी गार्डन आउ 90 एकड़ पूरा कभर है एरिया आउपाय मतलब बहुत पसंद था बहुत दिन भावी लोधी गार्डन टे जावाई फाइनाली आज मुझे आसीगली आपण मानक भी देखेदेवी और निजे भी ट्रावेल करी ओके या भितर यहाँ हूँ लोधी डिनास्टी आप जानते हैं गोटे साइड डिनास्टी था लोधी डिनास्टी थी मुझे विषय सब किसी कहि आप जमा भी स्किप करें लास्ट पर्यटन देखिए जो एपर्तन सब्सक्राइब करना निश्चित भाव में सब्सक्राइब करदे चलो आम देखा आज लोधी गार्डन ओके मुझ बहुत टायर्ड हो जा पूर्व वन मंथ हो गला बोधे मुझे भिड अपलोड कर पारि कहीं मोर मझे सात दिन पूरा देह खराब हो ओमिक्रॉन जब आसला मुझे डोजा सेकेंड डोजा नहीं थी पूरा देह खराब हो गला विकनेस फिल होगा मुझे ट्रावेल कर पारी भी दिल्ली में ओमिक्रॉन विकली कर्फ्यू लग जा ट्रावेल करने मैंने गोटे रिस्की लगता से मुझे ट्रावेल कर पार नी फाइनाली मुझे आज देखूँ एंट्री कर सारे आपको मुझे सबकि देखेबी या विषय सबकि कहबी ओके डोंट स्किप लास्ट पर्यटन देखिए चलो तो मुझे देखी लोधी गार्डन तो गाइज यहाँ हूँ लोधी गार्डन आपको मुझे सबकि देखेबी जमा भी स्किप करे लास्ट पर्यटन देखिए वाओ तो गाइज देखंतु ओके तो सेटा होची एंट्री गेटटा एटा होची लेफ्ट एटा होची राइट लेफ्ट साइड रे भी वाटर फाउंटेन अछि राइट साइड रे भी वाटर फाउंटेन अछि एठी सब कोन हंस गुडा को भी खेलु छथि बहुत हंस अछथि तो एठी देखु साइड लोक माने भी मु देखलेनि 500 जन इमिति माने दौड़ी दौड़ी के आसनि माने एटा होची गोटे मॉर्निंग आ इवनिंग वॉक पई बेस्ट आउ एई जो लोधी गार्डन टा गाइज बहुत फेमस इवन आपण जानिथिबे गोटे फन्ना मूवी थिला मु त से फन्ना मूवी टा आज पर्यंत देखिनि से फन्ना जहां कौन गोटे गीत ना सुबर्णला सुबर्णला एमती कौन गोटे गीत ना चांद सिफारी तो से जो गीतटा मान से गीतटा लोधी गार्डन भी होती कही पुराना किलार भी होती मैंने चार पाँचटा फेमस प्लेस सुटिंग होता से मुविटा ओके तो लोधी गार्डन टाइम बहुत फेमस आपको मुझे सबकि देखेबी जमा भी स्किप करे आउ लास्ट पर्यटन देखिए ओके स्टार्ट कर एंट्री रू एंट्री करदे तो यहाँ हूँ राइट साइड रे देखूँ राइट साइड रे ये वाटर फाउंटेन गुड़ाक टाइमिंग देखे दीजिए टाइमिंग ऑफ फाउंटेन 6 AM टू 9 AM फिर 11 वन 4 8 ओके यह झील आपकी है कृपया इसे स्वच्छ रखें इसमें कूड़ा करकट प्लास्टिक बोतल खाद्य सामग्री आदि डालना वर्जित है राइट तो NDMC रो बूथटा ओके यहाँ लेफ्ट साइड रेटा अच्छी टॉयलेट गुड़ाक अच्छी बोलते पब्लिक कन्फीनियंस चलो तो यूँ स्टार्ट करवा ओके गाइज बहुत बढ़िया लगुच गाइज सत कह मुना बहुत कौन टायर्ड हो जाती टे ट्रावेल कर पार ना मतलब बहुत विकनेस फिल होता ना गाइज सो तो गाइज सीरीयसली ना मुझे इंडिया गेट दे कि आसली ओके आउ आमर कौन कौन सब फेमस UPSC रो आमर हेड UPSC जो तार ऑफिस सेटअप भी देखिए आसली बहुत मानते फेमस प्लेस देखे आसली बट मोर टारगेट ला ये हिं आसापी आपन को किसी रेस्ट्रिक्शन ना आप सबकि फ्री में बुलिक देखिपारे मैंने जोटा गवर्नमेंट आम जो राजघाट आप जाते सेटा जमी डेभलप कराई एटा सेमती डेभलप नुह कि बहुत बढ़िया जगह यहाँ हूँ गोटे पुराणा जगह 15th century 1400 समथिंग तैयारी करा जाई थिला लोधी साइड कौन साइड डिनास्टी बोली गोटे थिला से कर थिला ओके तो गाइज मुझे भितर को एंट्री कर सारे ओके एकटा मेनली कपल मंथ्स में जो मैंने सिंगल भाई मुझे भी गोटे सिंगल ना तो कपल्स मैं ये पिकनिक करने आसती सबकि एलाउ अच्छी मानने खाद्य पदार्थ आरंभ कर सबकि नहीं आसपारे किसी रेस्ट्रिक्शन ना ओके आउ जी डेभलप हवा कथा पार्क यहाँ हूँ गोटे नेचुराल पार्क ओके ये आसिक आपरा मुझे खोलवाई चाहती हाँ पूरा शांति लगे लगा सीरीयसली जो मैंने दिल्ली को निंदती ना कि पल्यूशन गाइज कौटे ना
समस्ते दिल्ली को ही निंदा ओके मुझे सबकि देखे चलो आम भित्तिकर एंट्री करवा जो सिकंदर लोदी आउ कौन कौन से सब अच्छी से टर्म गुड़ाक देखा बहुत 90 एकड़ मानते बहुत बड़ जगह गोटे ओके तो देखिए आप देखिए देखो मो पशुपोटे ये फैमिली मैंने सब पिकनिक टाइप सब पूरा सबकि आसिक पूरा पिकनिक टाइप करके यहाँ पार्क तो मैं यहाँ सरी पार्क तो ना गार्डन से बहुत बड़ गार्डन गोटे के तो लाइफ में देखी नी फास्ट टाइम देखी पूर्व मुझे देखी थी जो हेटा तो गार्डन नुह ना गाइज आम राजघाटा तो आज सी मत बहुत बढ़िया लगे ये जगह गाइज पल्यूशन फ्री ओके ये तो जब मुझे रही था तो सकाल सन्ध्या आसिक एक्सरसाइज करता बट ये दूर लक्ष्मीनगर ये आसली बस रे मात्र 15 टाँग ओके मेट्रो आसते 40 टाँग पड़ी था कि आसली बस रे डीटीसी बस रही मत कम टाँग पड़ा 15 टाँग मात्र अधघंटा भितर भी पहुँचीगली ओके चलतु आप सबकि बुलाई देखेदे बहुत बड़ एरिया 90 एकड़ मानते बहुत बड़ एरिया ओके तो टे टाइम लगे मुझे जान जान के लेट्रे आसली कहीं मत ट्रावेल कर मतलब एंजय कर देखार अच्छे बहुत बढ़िया जगह गाइस यहाँ हूँ गोटे कौनटा यहाँ हूँ मस्कुट मस्जिद मस्क एंड फोर वॉल्स ऑफ एन एनक्लोज गार्डन विथ इट्स एंट्रेंस मस्जिद और बाकी सर्दीवारी एवं प्रवेश द्वार अच्छा यहाँ आगु एंट्री गेट था गाइस यहाँ था एंट्री गेट गोटे यहाँ कौन गोटे यहाँ गोटे मस्कुट मस्जिद ओके यहाँ मस्जिद तो यहाँ हूँ देखो एंट्री गेट गोटे थिला से टाइम रो बट ए सब मैंने नष्ट नष्ट कर दिया डिमोलीश कर दिया जाइए ना ब्रिटिश टाइम रे जो ब्रिटिश इंडिया आसला सी बहुत किसी डिमोलीश कर देखिए पलि था अलरेडी एटा भी आमर एट डिमोलीश कर ना कि जानी कितु आमर कौन से रेड फोर्ट लाल किलार से डिमोलीश बहुत किसी करके चलो आम जा बहुत 90 एकड़ मैंने मत आज बहुत टाइम लगे गोटे बुलाई मुझे सबकि देखी जमा भी स्कीप करें ओके तो गाइज मुझे आउ गोटे मस्क मस्जिद टाइप रखी पलि आसे आई जानते जी आपको शांति दरकार दिल्ली में बहुत जगह अच्छी खाली पल्यूशन दिल्ली को निंदुनि कहीं पल्यूशन टा तो सब जगार अच्छे दिल्ली में थोड़ी अच्छी सब जगार अच्छी या कौन टे दिल्ली में अधिक अच्छी ओके से दिल्ली के सब बेले समस्त निंदी आप तो सब जगार अच्छे गाइज दिल्ली में अच्छी बट नुहत दिल्ली में निंदी मतलब सीटा भल लगे से कि दिल्ली को दिल्ली जी पजिट भी अच्छे से नेगेट भी अच्छे सब पजिट को कौन न नहीं कौन सब नेगेट क्या नि लोक मैंने किसी करें तो अब देखो मो पशुपटे से मस्जिद टाइप अच्छी ओके मुझक देखी मैंने ये बढ़िया जगह गाइस कौन कह मैंने बहुत बढ़िया लगे बहुत पिला ये आगे सब पिकनिक टाइप बोलते करा कौन आम सिंगल लोन कौन कर चलो आम देखा ओके तो गाइज देखूँ मुझे आपको लेकिन जाऊँगी जो जगटा मानने ये जो प्लेसटा ना जो फना मुवि होता तो से जगटा को मुझे लेकिन जाऊँगी फना मुवि जो संगटा होता चांद सिफारिश तर कि सीन ये सुट होता मानने पूरा गिटार मिटार आणिक पूरा गीत गाँव आओ गाइज मुझे देख ली बहुत फरेनर आठ फरेनर मान सहित टे आज फोटो उठेगा बहुत दिन पर नुआ नुआ जो दिल्ली आसती मतलब भल लगुता फरेनर मान सहित फटेबाई बट ए देखो ये सब फैमिली टाइप पूरा आसिक पिकनिक भाया करके गाइज आज मुझे पूरा मास्क खोलिकी ये लोधी गार्डन तार जो प्योर आटमोस्फियर टाक एंजय कर देखते सब फैमिली मैंने सब आस तो यहाँ हूँ कौन टाइटा भी जीवा पाखु जाए पढ़ा एटा गोटे राइट साइड रे एटा हूँ लेफ्ट साइड रे जो सीन टा अच्छे ये देखुवे से सीन टा अच्छी आम फना मुवि ओके वाओ के बढ़िया लगे गाइज लाइफ रे फर्स्ट टाइम पाई आसली गाइज आल मुझे जानी इन फ्यूचर कौट जगह जी कि आज मुझे गोटे बहुत बढ़िया जगह गाई आसी जी आप दिल्ली में अच्छा निश्चित भाव में आसत देखी जाते लोधी गार्डन ओके वन ऑफ द बेस्ट गार्डन इन माय लिस्ट सीरीयसली गाइज यार बाप रे कितने बड़ा टर्म टा कि
मुझे चतुर्पाश्वटा आउ थे बुलि भिड कर सारे गाइज यार एंजय कर देखो योगा प्राणायाम भी आसिक करते गोटे गार्डेन मान यहाँ गोटे बेस्ट गार्डेन गाइज तो गाइज चलत मुझे ये शीश गुंबद यहाँ हूँ शीश गुंबद ये कह जाए कौन पर कहुए कहीं हूँ काचरे या बोधे कौन मुझे जानी विकिपीडियाटा जाइली जो आपड़ जाइना पढ़ीदेव ओके यार नाटा खाली जानतु शीश गुंबद ओके द देयर एक्जिस्ट टू पैटर्न्स इन द टॉम बिल्ट ड्यूरिंग द रूल ऑफ लोदी सुल्तान 1451 से 1526 रेक्टेंगुलर दिस टॉम द बहुत किसी लिखा है आप पढ़ी देते बाप रे कितने बड़ा गुंबदटा गुंबद माने कौन मस्क्यू कौन आई डोंट नो गुंबद का मतलब क्या है? अरे भैया गुंबद का मतलब क्या है? गुंबद लिखा शीश गुंबद इसका मतलब क्या है? शीश गुंबद है ये भाई नहीं गुंबद का मतलब क्या है बताओ गुंबद है अच्छा गुंबद कौन गोटे मुझे जानी नहीं गाई तो इटा अच्छा इटा मस्क्यूट तो गाइस देखो मुझे झीटा पचारे सी जानी ना एगुटा देखते क्या फॉरेनर फॉरेनर भाई बहुत आसती तो यहाँ देखो बाहर ये हूँ छोट शीश गुंबद गोटे छोट छोट मस्की टाइप रुपये भितर को नहीं देखिए ये बहुत मानक किसी अच्छा जो मानक दि जाए समाधि के बढ़िया गाँव भितर वाह एक दु तीन चार पाँच छः सात आठ वाओ हाँ नमस्ते गणेश आर यू भाई बहुत बढ़िया गीत गाँव थम्स अप तो ये युवा कहूँ एगुटा कौन तक कबर कहते मुसलमान मैंने यू मुसलमान भाई मैंने ये गुड़ा कबर कहते ये कबर दि जाए दीटा तीन चार पाँच छः सात आठ तीन तीन छः सात आठटा टोटाल ये अच्छे तो दिखाई कबर ओके गाइस भाई जन भल गायक भल गाँव देखु यार किमी या गई युवाक मत जमी जा बापरे वाओ बापरे फर्स्ट टाइम गाइज मुते मने आई एम स्पीचलेस कहीं लाइफ रे फर्स्ट टाइम एम बड़ बड़ गुंबद देखी मान गुंबद मान कौन है मुझे जानी भैया गुंबद का मतलब क्या है? हाँ भैया क्या नाम है यार जहाँ भी तो भाई जदि मुसलमान भाई मैंने क्यों मत देखुं मुझे तो जाननी प्लीज आपने मतलब जन गुंबद मान कौन बस मत एत बढ़िया लगुच कौन कह स्पीचलेस यार से समय के कष्ट करा सब करते मुगल मानी मुगल आर्किटेक्चर गाइज भैया गुंबद का मतलब क्या है? गुंबद का एक्चुअल मीनिंग क्या है? जी जी गुंबद गुंबद का जो मतलब क्या है? मैं कश्मीर का हूँ मुझे हिंदी पता नहीं है मुझे भी नहीं है पता कश्मीर से हो हाँ। अच्छा तो भैया कश्मीर से हो इसीलिए उनको पता नहीं है गुंबद का मतलब क्या है भाई सेठी पूरा गीत गाइकना पूरा छिंछतर कर दूसरी ओके तो एक गुड़ा देखीदेली आपको देखी देखो कौड़ा स्टाइल ले 70 वर्ष देखीदेली ओके तो गाइज देखु माने पूरा बहुत भांगी भंगा गला माने ठीक से केयर ना दे मो हिसाब से आने जानपन देखो कि भांगी भंगा जाइए से टाइम गोटे अलग प्रकार कौन मिट्टी टाइप यूज करते जो अठा टाइप सेट कर दूसरा पथर गुड़ाक बापरे मंटा बता है तो भाई आम गीत गाते सीस सिक्यूरीटी मैंने आसिक मना कले कले ना ये गीत गाओनी तो गाइज देखिपे टोटाल आठटा कौन कवर अच्छी ओके बहुत बढ़िया गाइज आप आसवे ना बहुत बढ़िया लगे
ରିଲିଜନ୍ ଟାକୁ କେବେ ନିଅନ୍ତୁନି କି ଏଟା ମୋଗଲ ଡିନାଷ୍ଟ୍ରି ତିଆରି କରିଥିଲା ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କର ସେମିତି କେବେ ରିଲିଜନ୍କୁ ନିଅନ୍ତୁନି ନହେଲେ ଆପଣ କେବେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେନି ଓକେ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆଜି ଲାଇଫରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଏମିତି ଗୁମ୍ବଦ ଆସି ଦେଖୁଛି ଛୋଟ ଗୁମ୍ବଦ କା ମତଲବ କ୍ୟା ହେ ଗୁମ୍ବଦ ଗୁମ୍ବଦ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ଓକେ ଚଲୋ ତ ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି ଗୁମ୍ବଦର ତା ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ତେବେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଏବେ ଟିକେ ପଡ଼ିବ ଟିକେ ଓକେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସିସ୍ ଗୁମ୍ବଦ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟାଇପ୍ର ଏଇଟା ଛୋଟଟା ସେଇଟା ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଓକେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ବାହାରକୁ ଆ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱଟା ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇବି ବାପରେ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ସେମ୍ ଟାଇପ୍ରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା ବାପରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଗାଇଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ଛୋଟ ଗୁମ୍ବଦଟା ସେଇଠିକି ଯିବି ଏବେ ବଡ଼ ଗୁମ୍ବଦ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଏଇଟା ହେଉଛି ଛୋଟଟା ସେ ଭିତରେ ଦେଖୁଛି କେମିତି ଗୀତ କରୁଥିଲା ବଡ଼ ପିଲାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା ଆଉ ପଛପଟ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ପଛପଟ ଯେଉଁ ସେଇଟା ଅଛି ଥନାରେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଓକେ ବାପରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ୟାର ଗାଇଜ୍ ମୋତେ ଆଜି ନା ମାନେ ମୋର 15 ଟଙ୍କା ଉଠିଗଲା ଗାଇଜ୍ ସିରିୟସ୍ଲି ହାପି ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ପାଖରେ ରହିଥାନ୍ତି ରେଗୁଲାର ଆସିଥାନ୍ତି ମୁଁ ରେଗୁଲାର ଆସିଥାନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଗାଇଜ୍ ଓକେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଯିବି ଏଇ ଏଇ 90 ଏକର ହିଁ ସେଇଟା ବି ଅଛି ଓକେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଲେଟ୍ କରିବାନି ନହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରିହେବନି ଏଇଟା ହେଉଛି ସିସ୍ ଗୁମ୍ବଦ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି ଏବେ ଏମାନେ ଭାଇ ସବୁ DSLR ପିଲା ତ ଆମେ DSLR ନାହିଁ ଆମର କ'ଣ କରିବା ଆମେ କରିବା ଲୋକ ଓକେ ସୋ ଆମେ ମୋବାଇଲ୍ ହିଁ କାମ ଚଳେଇଦେବା ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସିସ୍ ଗୁମ୍ବଦ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖିଦେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମେନ୍ଲି ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ରେଡ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଟାଇପ୍ର ରେଡ୍ ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଟାଇପ୍ର ସେଇଟା ମୋତେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା ମାନେ ମୁଁ ପୁରା ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତିନି ଯେଉଁଟା ପୁରା କ'ଣ ଶକ୍ତ କାମ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି କ'ଣ ସେଇଟା ୱାର୍ଡ଼ଟା ଭୁଲିଗଲି ତ ସେଇଭଳିଆ କାମ ସବୁ ହେଇଛି ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ଆପଣ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ସେଠି ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସେମାନେ କରିଥିଲେ ଖୋଦେଇ କରନ୍ତି କରିକି ତାକୁ ତାପରେ ସେଟ୍ କରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ କାହିଁକି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସେମାନେ କେତେ ମେହନତ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଭାବନ୍ତୁ ଓକେ ତ ୟାର କ'ଣ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ ପଢ଼ି ହେବନି ବାସ୍ ସିକନ୍ଦର ଲୋଧି ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଟା ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ସିକନ୍ଦର ଲୋଧି ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା 1499 ରୁ 1517 ଟାଇମ୍ରେ ଓକେ ମସିହାରେ ତ ସେଟା ସରିଲା ଆମେ ଦେଖିଦେଲେ ବଟ୍ ଆମେ ଏବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଟା ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ା ଗୁମ୍ବଦ ହଁ ସେଟା ହେଉଛି ସିସ୍ ଗୁମ୍ବଦ ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ା ଗୁମ୍ବଦ ତା'ଠୁ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ଟା ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାଟା ଅଛି ଫନା ମୁଭିରେ ବଡ଼ା ଗୁମ୍ବଦ ଦିସ୍ ଇମ୍ପୋଜିଂ ବିଲ୍ଡିଂ ସିଲିଜ୍ ଟୁ ବି ଏ ଗେଟ୍ ୟୁ ଡେଟ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲୋଧି ଡିନାଷ୍ଟି 1421 ମେଜରିଂ 19 meters ବାଇ 19 meters ଆଣ୍ଡ 27 meters ହାଇ ଆଚ୍ଛା 27 ଫୁଟ ଏହାର ଉଚ୍ଚତାଟା ଦିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ବିଗେଷ୍ଟ ଫାଇନାନ୍ସ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଲୋଧି ପିରିୟଡ୍ ମନୁମେଣ୍ଟସ୍ ଇନ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ସେଲ୍ଟନ୍ ଟିପିକଲ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ଦ ଟୁ ଷ୍ଟୋରୀ ଦ ମେନ୍ ଆଟ୍ରାଲ ଇଜ୍ ଟୁ ଗ୍ରେ ଆଟ୍ରା ଗ୍ରେ କ୍ୱାର୍ଟର୍ କ୍ୱାର୍ଜାଇଟ୍ରେ ସମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୋନ୍ସ ରେକର୍ଡ଼ରେ ଚାଲ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ ଓକେ ଏଇଟା ଏଇଟା ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ା ଗୁମ୍ବଦ ତିନିଟା ତାର ଡୋମ୍ ସେପ୍ର ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଯେଉଁଟା ବଡ଼ା ଗୁମ୍ବଦ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି 1 single dome ଅଛି ମାନେ ଯେଉଁଟା ଗୋଲାକାର ଟାଇପ୍ର ଓକେ ମୁଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଦେଖେଇବି ଆଜି ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିକି ରହିବେ କାହିଁକି ଏ ଜାଗାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବା ଦରକାର ଯଦି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଦିଲ୍ଲୀରେ ନାହାନ୍ତି ଇନ୍ ଯଦି ଦିଲ୍ଲୀ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ଅଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଜାଗାଟାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଏହାର ନେଚର ଏହାର ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ସବୁକିଛି